बॉम्ब को किसने भेजी है बर्फी? ये तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है भाई। पता नहीं किस खुशी में है ना। हाँ और साथ में गाना भी गा रही थी, पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में। आज तुम्ही निगाह था मंथरा भाई। साहिल बाबा आपने मुझे मंथरा था। एक औरत जिसने इतने सालों तक तुम्हारी सेवा की है उसका तुमने ये सिला दिया। अब मैं इधर नहीं रहूंगी, मैं घर चढ़ के जा रही हूँ। आधा घंटा गया राधा भाई को मनाने में। बहुत मुश्किल हो गई होगी ना। और नहीं तो क्या, अपनी बीवी को तो यार प्यार से यू नो गले लगाकर फुसलाया जा सकता है, लेकिन राधा भाई को बालों में राई का तेल लगाती है। अच्छा अगर नहीं लगाती तो? What I meant was कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, फाइनली रोक लिया दोनों को और घर तुमने छोड़ दिया। अरे उसके लिए तो हमारे खानदान का सबसे बड़ा विलन जिम्मेदार है, इंद्रवदन सारा भाई, मेरे डैडी। इट्स नॉट फनी डैडी, आप भी हद करते हैं। कोई किसी को उसके बर्थडे पे नाक गिफ्ट में देता है वो भी जिंदा। अगर बिच्छू देता तुम कहते डैड आई डोंट थिंक यू लव मी एट ऑल, इतना छोटा सा प्रेजेंट दिया बिच्छू। तुम रोशेश को बर्थडे पर बिच्छू देने वाले थे या मगरमच्छ? लेकिन हुआ क्या कि मगरमच्छ मिला ही नहीं। मैंने कहा क्या करूं तो फिर नाक पे सेटल होना पड़ा। नाग देवता भी इस घर में सेटल हो गए। ओह गॉड, ये नाग किसी को डसे उससे पहले कोई कुछ करो। हाँ हाँ मैं कुछ करता हूँ। ओके ओके डैडी। हाँ हाँ आ गया। अच्छा सुनो मोनिशा, तुम्हारे घर में बीन या ऐसा कुछ है? कैसे होगी मोनिशा, अपने घर में डस्टबिन मुश्किल से रखती है, तो स्नेक चामा वाली बीन कहाँ से रखेगी? डोंट माइंड बेटा, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही। मैं जाके दूध ले आती हूँ, हो सकता है दूध के प्रसाद से नाग देवता खुश हो जाए। ओह शक्स, व्हाट बोल्ड डैश। मोनिशा ये सब अंधविश्वास है, नाग की खुराक चूहा है दूध नहीं। लेकिन माया वो प्रसाद में अगर चूहा देंगे तो थोड़ा सा और नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे। क्या बात है, सब सोफे पे खड़े, कुछ खेल हो रहा है? लाइक लैंड एंड वाटर। विश वीवर बट यू बी केयरफुल, साहिल भाई घर में नाग घुसा है वो भी जिंदा। मोनिशा की तरफ क्यों देख रहे हो डार्लिंग, उसने नाग कहा नागिन नहीं। डोंट माइंड, आई एम जस्ट जोकिंग। अरे वो क्यों माइंड करने लगेगी भाई, वो भी तो तुम पैसे जोक्स मारती रहती है। मैं कब? अरे तुम भूल गई, वो त्रिभुवनदास के बेटे की शादी में तुमने क्या कहा था लोगों के सामने, कि अगर जानवरों की नगरी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता तो नागिन माया बन के आती और फर्स्ट प्राइज भी लेती। Really? तुमने ऐसा जोक मारा? वो भी 2000 लोगों के सामने। नारद मुनि, वो तुम आई नहीं थी ना इसलिए तुमको पता नहीं। आई भी होती तो मुझे पता कैसे चलता कि उसने ऐसा जोक मारा? पता चलता क्योंकि उसने माइक पे ये जोक मारा था। बाबी, मम्मी जी ने भी अभी अभी ऐसे ही चौक मारा है ना। माइक पे नहीं मारा बेटा, और अपनी फैमिली के 4 लोगों के सामने ही मारा, 2000 लोगों के सामने इंद्रवदन। और लोगों ने वंस मोर भी कहा। लेकिन मैंने दोबारा वो जोक नहीं सुनाया, आई प्रॉमिस। हाँ माइक खराब हो गया था ना। साहिल आगे क्या हुआ? मेरी लाइफ हराम हो गई। नाक का क्या हुआ? अरे यहाँ मेरी लाइफ की बैंड बजी हुई है, तुम्हें नाक की पड़ी है। मेरी नॉवेल को पढ़ने वाले लोग ये जानना चाहेंगे कि उस नाक का आगे क्या हुआ। तुम मेरी कहानी पर नॉवेल लिखने वाले हो? उसको सबके नाम बदल कर। ये ग्रेट, प्लीज अंकल लीव प्लीज। ओके कूल। डॉक्टर साहिल साराभाई विल बी अटपटू वड़ाई कणम। ये डॉक्टर नहीं होगा, मैं उसे कॉलेज का प्रोफेसर रखूंगा। मुझे तो नॉवेल की बिगिनिंग भी मिल गई है। अटपटू वड़ाई कणम्स लाइफ वॉज लाइक अ बुल इन अ चाइना वेयर शॉप, एंड अटपटू वड़ाई कणम
was the bone china himself. This is ridiculous. ये भी कोई कहानी है साहिल, तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा? इससे अच्छी तो मोनिशा की है रगड़ा पैटिस है। मम्मी जी, कम से कम आपको इस रगड़ा पैटिस के पैसे तो नहीं देने पड़ते, लेकिन ये किताब पूरे 150 रुपए की है और पन्ने सिर्फ 90। सिर्फ 90 पन्ने? फिर तो ये किताब अच्छी हो ही नहीं सकती। मामा, ये मींस की किताब जितनी मोटी उतनी अच्छी। Yes. तो इंदु, तुम कल से टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ना शुरू कर दो। नॉट अ बैड आइडिया। कम से कम इंटरेस्टिंग लोगों के नंबर्स और एड्रेसेस तो देखने को मिलेंगे, जो इस किताब से तो कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, एक्साइटिंग होंगे। ए, प्रवीण भाई पोपटलाल का नंबर मिल गया। हा, वेरी फनी। मनीषा चटेजा, यू नो इस किताब में सास बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं, लेकिन कभी झगड़ती नहीं। मनीषा, इन्होंने चटनी मांगी थी ना? जी मम्मी जी। और इन सास बहू के बीच में फंस गया बेचारा प्रोफेसर, जो कि बार बार घर छोड़ के भाग जाता। बकवास। प्रोफेसर के डैडी उनके दूसरे बेटे के जन्मदिन पे उसे छोटा मगरमच्छ गिफ्ट में देते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? साहिल भाई, आपने ये किताब पूरी पढ़ी है क्या? मैंने किताब पूरी पढ़ी है, लेकिन शायद आप लोगों ने ये किताब ठीक से नहीं पढ़ी है। आपने इसका पहला पन्ना पढ़ा है? डेडिकेटेड टू डॉक्टर साहिल साराभाई, माय इंस्पिरेशन। एक्चुअली जैसे जैसे पढ़ते जाओ इंटरेस्टिंग होती जाती है। शुरुआत इतनी बुरी नहीं है। और वैसे भी मैं तो सिर्फ 3 पन्ने ही पढ़े। सिर्फ 3 पन्ने? धीरे धीरे पढ़ रही है ना बेटा, पन्ना पन्ना वसूल करने के लिए। डोंट माइंड डार्लिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये कहानी हमारी फैमिली की कहानी हो ही नहीं सकती भाई। क्यों भाई? इसमें साफ साफ लिखा है कि घर की जो बड़ी मालकिन है वो नहायत ही साफ दिल औरत है, और माया तुम तो थोड़ा बहुत बदल डालते हैं इंद्रवदन। क्यों, किताब में नहीं लिखा कि घर की बहू बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है? राइटर ने अपने मन में जो आया लिख डाला, है ना मोनिशा? मतलब मम्मी जी, मैं ना समझ बेवकूफ और बदसूरत हूँ? यू मीन बिल्कुल रोसेश की तरह? डैड, इसके बीच में आप मुझे क्यों घसीटते हैं? अरे तुझे तो घर के बाहर घसीटना चाहिए। मम्मी का चमचा पार्ट 2। बोलो नागेश। अरे साहिल, मुझे अभी अभी फोन आया था, मेरी रद्दी की दुकान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मेरी नॉवल हिट हो गई यार। सीक्वल लिखनी है? तुम घर कब छोड़ रहे हो? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। साहिल, मोनिशा खाना बना के घर छोड़ने वाली है या तुम हमारे यहाँ खाना खाने वाले हो, जरा बता देना प्लीज। साहिल भाई, टेल डैड कि मुझे मेरे सही नाम से बुलाएं। अरे तो इसमें गलत क्या है? तेरी माँ पार्ट 1 और तू पार्ट 2, सिर्फ साड़ी की कमी है बस। बाल देखे तेरे। You tell him to play dabba, I spy and get lost. मैं बहुत जल्द घर छोड़ने वाला हूँ नागेश, वेरी सून। सारा भाई।